9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एनसीपी चीफ शरद पवार के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। जहां एक ओर उनके इस्तीफे के ऐलान से हर कोई हैरान है, तमाम विपक्षी दल के नेता लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इस बयान को वापस ले लें, इस्तीफे की बात को वो वापस लें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूली को फोन किया है। आखिरकार इस फोन कॉल की पूरी सच्चाई क्या है, आज के इस खास रिपोर्ट में हम उसी पे खुलासा करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाली एनसीपी की पार्टी के बीच उस वक्त हलचल मच गई जब बीते 2 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि देश के वरिष्ठतम नेताओं में से माने जाते हैं शरद पवार और उनके इस्तीफे ने महाराष्ट्र में और ज्यादा सरगर्मी बढ़ाने का काम कर दिया। इस बीच अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जब कोई भी नेता शरद पवार को इस्तीफा देने से मनाने के लिए रोक नहीं पाया तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहल की। उन्होंने सुप्रिया सूले को फोन किया और साथ ही फोन पर उनसे बात करते हुए कहा कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें, जो ऐलान उन्होंने किया है उस पर सोच विचार करें। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले से राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करते हुए पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में भी राहुल गांधी ने सुप्रिया सूले से जानकारी ली। मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार के इस्तीफे की खबर के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पवार से बात करके उनके इस्तीफे पर पुनर्विचार करने की बात कही, लेकिन जब शरद पवार नहीं माने तो आखिरकार राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने सुप्रिया सूले को फोन किया। फोन पर सुप्रिया सूले से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शरद पवार अपने इस फैसले को वापस ले लें, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त राहुल गांधी भी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रही है, वो नहीं चाहते कि शरद पवार या फिर एनसीपी का साथ कांग्रेस पार्टी से छूटे, इसलिए वो चाहते हैं कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रिया सूले को कॉल किया। सुप्रिया सूले से बात करते हुए शरद पवार को लेकर और उनके इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि एक बार वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और साथ ही अपने इस्तीफे देने की बात को अब यहीं पर खत्म कर दे। हालांकि इस फोन कॉल का अब आखिरकार क्या आगे आने वाले वक्त में अंजाम होगा, क्या शरद पवार अपने फैसले को बदल देंगे, जो तमाम दिग्गज नेता नहीं कर पाए, क्या वो अब राहुल गांधी का ये एक फोन कॉल कर देगा, क्या राहुल गांधी के फोन कॉल के बाद सुप्रिया सूले शरद पवार को मना पाएंगी कि वो इस्तीफा ना दे, इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।